मेरे भाइयों, हर कोई हनुमान नहीं बन सकता। हनुमान बनने के लिए 25 साल इस तवे की भट्टी में तपना पड़ेगा, तब हनुमान बेनिवाल बनेगा। ऐसे बयान और भाषणों से हनुमान बेनिवाल नहीं बन सकते। हनुमान बेनिवाल ने किसान कौम, 36 कौम के लिए संघर्ष किया और निरंतर संघर्ष उन्हें पर है। ये चुनाव संघ हम गिनती में हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव हारने जीतने से। हजारों चुनाव लड़े, हजारों जीते और हजारों हारे, ये हम गिनती में हारे हनुमान बेनिवाल। ये हनुमान बेनिवाल राजस्थान से कमजोर नहीं हुआ। ये कतई मत सोचना कि एक चुनाव और गए और हनुमान बेनिवाल कमजोर हो गया, कतई नहीं। सिर्फ हमने संख्या में चुनाव हारा है, उसी मजबूती के साथ हम वापस चुनाव में आएंगे। चुनाव अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन आप एक समाज के गणमान्य व्यक्ति को आप इस तरह किस तरह सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हो, सोचने वाली बात होती है कि हम जब समाज को जरूरत पड़ती है। कहां मर गए थे तुम नरेश जाट के लिए, चार चार दिन तक हनुमान बेनिवाल बैठा रहता। कहां मर गए थे अनिल चौधरी के टाइम, और हर टाइम जब भी समाज को किसी समाज को जरूरत पड़ी हनुमान बेनिवाल ने संघर्ष किया। किसान बिरादरी के लोगों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज इस महापंचायत की आखिर हमको जरूरत क्यों पड़ी है? कहीं कहीं जो किसान समाज, जो जाट समाज, जिसके पीछे तमाम कौमें उनके पीछे चलती थी, आज उन्हीं समाज के बीच में ये जो नए नए नेता बनने के चक्कर में अगर किसी समाज के गणमान्य नेता को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम सबको, सबसे पहले तो मैं मेरे सभी युवा साथियों से भी अनुरोध करता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत ध्यान रखें। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हमें किसी वहां पे अनगढ़ टिप्पणियां और किसी के विवादित बयान नहीं देने। ये किसान समाज हमेशा 36 कौम को लेकर चला है। दूसरे समाज जो छोटे छोटे समाज है वो इस जाट समाज के सामने देखता है कि जाट समाज किस दिशा में चलता है, जाट समाज के पीछे पीछे वो समाज, हमारे तमाम समाज चलते हैं। इसलिए हम सबको ये सोचना होगा, कहीं ना कहीं मंथन करना होगा कि आखिरकार आज हमारे समाज के बीच ये दिक्कतें क्यों आ रही है, क्यों हमारे समाज के जो नेता जो इस किसान कौम को जगाने के लिए पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उस नेता के खिलाफ हर कोई टूटपूट या नेता बयान दे देता है, ये क्या तरीका हो गया? उनको जवाब देने का, ईंट का जवाब पत्थर से देने का मौका है और उनको यहाँ आके माफी मांगनी चाहिए कि हमसे भूल हुई है। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये समाज जो निर्णय लेगा उस समाज के निर्णय के साथ रहेंगे और अपने सरकार में नए होते हुए संघर्ष के बलबूते पे न्याय दिलाया। तो हमें सोचना है और आगे भी जो भी ये महापंचायत बैठी है, जब भी हमारे बुजुर्ग बैठे जो निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। और सभी युवा साथियों से अपील है कि शांति बनाए रखें। ये प्रशासन सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहा है कि आप एक गलती करो, सिर्फ एक पत्थर फेंकने की ये सिर्फ वेट कर रहा है कि ये आया हुआ युवा, किसान युवा जो जोश है वो एक पत्थर फेंके और हम 10 पत्थर फेंके। तो ये कतई अपन को नहीं करना कि किसी को भी एक रेकर नहीं देना दे रहे। ये जाट समाज की महापंचायत है, यहाँ से संदेश जाना चाहिए कि जाट समाज एक नॉर्मल कौम नहीं है, मार्शल कौम है। और यहाँ से संदेश जाना चाहिए कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, अपनी सभ्यता के साथ महापंचायत करते हैं। ये संदेश यहाँ से देना। बहुत बहुत धन्यवाद।